गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल सी वन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड प्रोनाउन. ओके चिल्ड्रन, डू यू नो व्हाट इज प्रोनाउन? ओके, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन place of noun is called pronoun. Okay, words that are used in place of noun is called pronoun. Children, noun आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो वे words, ठीक है, जो noun के place में use किए जाते हैं, उन words को क्या कहा जाता है? Pronoun कहा जाता है. Okay children, he, she, it, I, you, we, they. Okay, these words are called pronoun which is used in place of noun. Okay, and now we will see that how we use these words in place of noun. Okay children, children see this picture. In this picture, the boy is in the ground, the boy is playing football and the boy is looking very happy. बेटा आपने क्या नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि इसमें हम हर सेंटेंस में बार बार क्या यूज़ कर रहे हैं? द बॉय. ओके, तो द बॉय क्या है? एक नाउन है, ठीक है, तो हम बार बार बॉय का यूज़ ना करके उस बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही. ओके, अब देखिए, द बॉय इज़ इन द ग्राउंड, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल एंड ही इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी. ओके, तो किसी भी मेल पर्सन के लिए प्रोनाउन ही का यूज किया जाता है. ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. पिक्चर देखिए, द गर्ल इज प्लेइंग विथ हर किटी, द गर्ल इज वियरिंग पिंक टॉप और द गर्ल इज लुकिंग वेरी हैप्पी. चिल्ड्रन यहाँ भी देखिए, गर्ल का यूज बार बार हो रहा है. ओके, तो हम द गर्ल के प्लेस में कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? प्रोनाउन she. okay, the girl is playing with her kitty, she is wearing pink top and she is looking very happy. तो children आपने देखा कि हम the girl बार बार ना बोल करके उसके place में कौन सा pronoun use कर रहे हैं? pronoun she, जो कि किसी female person के लिए use किया जाता है. okay okay children, we will see next pronoun it. okay, we use it pronoun for non-living things and animals. okay, see this, this is a jug, the jug is blue in color. children यहाँ पे हम बार बार jug jug ना बोल करके इस jug के लिए कौन सा pronoun use करेंगे? it. okay, this is a jug and it is blue in color. okay, वैसे ही देखें यहाँ पे dog, this is a dog, the dog's name is Bruno. बेटा यहाँ पे भी हम dog dog ना बोल करके क्या बोलेंगे? this is a dog, its name is Bruno. okay, तो आपने देखा कि जो non living things हैं और animals हैं उनके लिए कौन सा pronoun use होगा? pronoun it. okay okay children, see this picture. when we are talking about ourselves, we use I प्रोनाउन. ओके, जब हम अपनी बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं या अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन होता है? आई. जैसे कि आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय. ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल सी नेक्स्ट. ओके, व्हेन यू विल टॉक टू समवन, यू विल यूज प्रोनाउन यू. ओके, सी द पिक्चर, यहाँ पे दो बॉयज आपस में बातें कर रहे हैं. ओके, हे रोहन, हाउ आर यू. देखा आपने कि इन दोनों के बातचीत में कौन सा प्रोनाउन है? यहाँ पे यू. ठीक है, ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल सी नेक्स्ट प्रोनाउन वी और प्रोनाउन दे. ओके, वी यूज दिस प्रोनाउन्स फॉर मोर देन वन पर्सन. ओके, बट देयर इज वन डिफरेंस. ओके चिल्ड्रन, प्रोनाउन वी, वी यूज प्रोनाउन वी वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवर सेल्स. ओके, सी दिस पिक्चर हियर, वी आर मेकिंग पैनकेक. देखिए यहाँ पे इस काम, जिस काम में जब हम इन्वॉल्व होते हैं खुद, तो वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन होता है? प्रोनाउन वी. हम पैनकेक बना रहे हैं. ओके ओके चिल्ड्रन, सी दिस प्रोनाउन दे,
वी यूज प्रोनाउन दे वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अदर पीपल. ओके, जहाँ पे हम खुद इन्वॉल्व नहीं होते जब हम दूसरों की बात करते हैं, ठीक है, जो एक से ज़्यादा होते हैं, तब वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन दे. ओके.